फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रीटार्गेटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपने रीटार्गेटिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत ही कॉमनली यूज्ड और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होता है। एक ऐड टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स करी जाती है और ऑलमोस्ट हर बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर इसको यूज़ करता है। ये काम कैसे करती है, होता क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इसका फ़ायदा ई कॉमर्स वेबसाइट्स को पहुँचता है, आज मैं बताऊँगा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल एग्जांपल। रीटार्गेटिंग को समझने से पहले इस एग्जांपल को सुनिए। एक दुकानदार है जिसका नाम है घनश्याम, कपड़ों की उसकी दुकान है। वहाँ पर शाम एक आदमी ख़रीदारी करने आता है, शॉपिंग करने आता है। दुकान देखता है, एक काउंटर, दूसरा काउंटर, सारे कपड़े देखता है, लेकिन उसको कुछ ठीक ठाक नहीं लगता। उस वक्त वो उसकी परचेजिंग नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है। घनश्याम ये बात दिल पे ले लेता है। घनश्याम कहता है कि मैं तो शाम को बेच के ही रहूँगा, कुछ ना कुछ तो इसको ज़रूर बेचूँगा। तो अब घनश्याम यहाँ पर क्या करता है, इसको ध्यान से सुनिए। वो एक जासूस हायर करता है, एक स्पाई हायर करता है, जो कि जादूगर भी होता है। उसको ये जादू आता है कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, सेकेंड्स में एक होर्डिंग, एक बिलबोर्ड, एक बैनर बना देता है और उस पर कुछ भी लिख सकता है, किसी को भी दिखा सकता है। तो अब वो जासूस लग जाता है शाम के पीछे। शाम जहाँ कहीं भी दिन भर में जाता है, जब वो अपने ऑफिस जा रहा है तो उसको ऑफिस के बाहर एक बड़ा बैनर बिलबोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि जीन्स शर्ट पे 50% डिस्काउंट, आइए घनश्याम की दुकान पे। जब शाम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो स्कूल पे छोड़ता है, स्कूल के गेट के बाहर ही एक बोर्ड उसको लगा दिख रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म्स, आइए 30% डिस्काउंट घनश्याम की दुकान पे। जब शाम अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से मिलने जा रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की दुकान में पार्किंग में गाड़ी खड़े करते ही उसको एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि गंजी बनियान 50% डिस्काउंट, आइए घनश्याम की दुकान पे। हर जगह उसको ये बैनर ही नज़र आता है। तो अब एक दिन होता यूँ है कि जब शाम को जब वाकई कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसको अपनी फैमिली के लिए कपड़े लेने होते हैं, तो वो घनश्याम की दुकान पर जाता है, क्योंकि तब तक घनश्याम की दुकान उसके दिमाग में काफ़ी फेमस हो चुकी होती है। वो जान चुका होता है कि हाँ भाई, ये एक दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, उसको कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जाके वो अपने कपड़ों की ख़रीदारी कर लेता है। तो बूम, सेल हो जाती है, घनश्याम भी खुश और श्याम भी खुश कि उसको जो चाहिए था उसको डिस्काउंटेड रेट पर मिल गया। अब घनश्याम, क्योंकि ये टेक्निक काम कर गई, तो घनश्याम ने एक जासूस को लगाया एक ख़रीदार के पीछे, एक कस्टमर के पीछे। कस्टमर्स तो दुकान पर बहुत सारे हो सकते हैं, तो घनश्याम जासूसों की एक पूरी फौज को हायर कर लेता है। दोस्तों, क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, ह्यूमंस के साथ ऐसा किया जा सकता है? नहीं, लेकिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिजिटली ऐसा करना पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप पिक्सल्स, आप बॉट्स, जावास्क्रिप्ट, हर एक उस कस्टमर, हर एक उस यूज़र के ब्राउज़र पे चिपका सकते हो जिसने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है, जिसने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं, आपके पेजेस देखे हैं। और ऐसा करना बिल्कुल अलाउड है, आप कोई जासूसी नहीं कर रहे हैं। तो अब रीटार्गेटिंग जब मैं बात करता हूँ, तो रीटार्गेटिंग कुछ इसी जासूस की तरह काम करती है। जब कोई विज़िटर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आता है, तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट विज़िट करने की वजह से उस विज़िटर के ब्राउज़र में एक पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट पहुंच जाता है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट को छोड़ के जाने के बाद वो विज़िटर जहां कहीं भी जाएगा, जिस किसी वेबसाइट पे भी जाएगा, वो पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करेगा एक ऐड सर्वर से, एक रीटार्गेटिंग प्लेटफॉर्म से, जिसकी वजह से उस वेबसाइट पे उसको आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगा। उस एडवर्टीज़मेंट के कई तरीके हो सकते हैं, छोटा बैनर, बड़ा बैनर, अलग अलग तरीके के ऑफर्स, जो कि आपने ही बातचीत करके रीटार्गेटिंग प्लेटफॉर्म एजेंसी को दिए हैं, तो उस तरीके के ऐड चलेंगे। तो इससे
जितने भी विजिटर्स आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आए हैं, अगर उन्होंने परचेजिंग नहीं करी है या करी भी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब वो आपकी वेबसाइट छोड़कर जाएं तो आपकी वेबसाइट के एड्स उनको दिखते रहें। ये होती है रीटारगेटिंग। दोस्तों, रीटारगेटिंग मोटे मोटे तौर पे दो तरीके की होती है। एक होती है पिक्सल बेस्ड रीटारगेटिंग। अभी जो मैंने आपको एक जो फ्लो बताया वो पिक्सल बेस्ड टेक्नोलॉजी का ही है। पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कह लीजिए या फिर आप पिक्सल कह लीजिए, ये पिक्सल ही कनेक्ट करता है एक एड सर्वर एक रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ। ज़्यादातर रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया चैनल्स पर चलते हैं। आप देखते हैं ना, फेसबुक पे आपको कभी कोई ऐड दिख रहा है, कभी आप किसी इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको उन वेबसाइट्स के एड्स दिखते हैं जो कि आप प्रोडक्ट्स आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं पिक्सल बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। इसके बारे में अच्छी बात ये होती है कि ये ऑलमोस्ट इंस्टेंट होती है। आप अभी एक वेबसाइट पे जाइए और अगर रीटारगेटिंग को यूज़ कर रही है, आपने वहाँ पे परचेजिंग नहीं करी, आपने उस वेबसाइट को छोड़ा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आप जब किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहाँ पर ये रीटारगेटिंग अलाउड है, वो कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन उस वेबसाइट के जो भी वेबसाइट आपने छोड़ी है उसके एड्स दिखने लग जाएंगे। तो विद इन सेकेंड्स ये शुरू हो जाती है। तो ये इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। जो दूसरे तरीके की रीटारगेटिंग होती है वो है लिस्ट बेस्ड। लिस्ट बेस्ड में क्या होता है, लिस्ट बेस्ड रीटारगेटिंग में क्या होता है कि उसमें आप एक लिस्ट बनाते हैं, आप अपना एक डेटाबेस बनाते हैं बाय कैप्चरिंग कस्टमर्स ईमेल एड्रेस। तो आपने अपनी वेबसाइट पे कोई अरेंजमेंट कर रखी है कि कस्टमर्स ईमेल छोड़ देते हैं या ईमेल आप कैप्चर करते हैं। जब आपके पास एक ईमेल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है तो आप उस डेटाबेस को शेयर करते हैं रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ। रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म फिर जब उन सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस को लेता है, तो जब उस ईमेल उस रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जब कोई भी विजिटर आएगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके दिए गए ईमेल एड्रेसेस से उन विजिटर्स को मैच करेगा, और अगर मैच हो रहे हैं तो फिर उन पर वो अपना रीटारगेटिंग का ऐड चला देगा जो आपकी वेबसाइट का ऐड दिखाएगा। तो ये जो रीटारगेटिंग वाली जो ये टेक्निक है लिस्ट बेस्ड, ये काफ़ी इस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि आप ही डेटाबेस बना रहे हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि किस कस्टमर को किस लिस्ट में डालना है, किस में नहीं डालना है, और उसी हिसाब से वो लिस्ट रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करेंगे जिस पे आपके मन चाहे एड्स चल सकते हैं। तो रीटारगेटिंग क्यों होती है, इसका जवाब कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान सा जवाब है कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, बेचना उसका काम है, कन्वर्जन उस पर बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। तो इसलिए रीटारगेटिंग एक तरीके की एडवर्टाइजिंग है, बहुत तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है। तो इसका मकसद बेचना है, कन्वर्जन बढ़ाना है। जो मैंने आपको घनश्याम और शाम का एग्जाम्पल दिया उसमें आप देखेंगे तो एक चीज़ हो रही थी कि जब शाम को एड्स दिखते थे तो उन एड्स पे क्लिक करके वो परचेजिंग नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐड पे क्लिक करके कोई उसी वक्त परचेज कर ले, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है वो है अवेयरनेस। जी हाँ, तो ये एक सब गोल आप कह सकते हैं। कई बार एड्स कंपनीज इसलिए देती हैं क्योंकि उनसे उनको डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं मिलता, लेकिन एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। जब ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है तो इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा होता है, कस्टमर्स के दिमाग में आपके ब्रांड की वैल्यू बनती है, उनको जानकारी होती है, और जब उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो वो आपकी दुकान पर आके, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आके वो सामान खरीद लेते हैं। तो ये एक सब गोल भी कह सकते हैं कि भाई एक रीटारगेटिंग का बहुत ही बड़ा यूज़ अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो रीटारगेटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के नॉलेज ज्ञान वाले वीडियोस में बनाते रहता हूँ, आगे भी आपको मिलते रहेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलूंगा अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।